आज का जो मेरा लेक्चर है वो मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में एक पेपर रहता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब अनुसंधान की प्रविधि और प्रक्रिया, या फिर जो आगे ग्रेजुएशन में भी आपको शोध पत्र लिखना पड़ता है लघु शोध प्रबंध, या फिर पीजी में भी लघु शोध प्रबंध यदि आपको लिखना पड़ता है, या फिर आप एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और वो जो एग्जाम होता है यूजीसी नेट उसमें भी रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उसके मूल तत्व तो क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, कि कैसे हम लघु शोध प्रबंध लिखते हैं या फिर शोध प्रबंध लिखते हैं पीएचडी के लिए, और किन बातों का हमको ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। जहां तक ग्रेजुएशन या पीजी की परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान के मूल तत्व क्या होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। तो हम इन बिंदुओं के आधार पर इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, इसके बाद हम देखेंगे विषय चयन, शोध पत्र में विषय चयन का क्या महत्व है, विषय का चयन कैसे करना चाहिए शोध प्रबंध के लिए, अनुसंधान की संरचना और रूपरेखा निर्माण। अनुसंधान की संरचना और रूपरेखा से तात्पर्य है सिनॉप्सिस, मतलब जो आपका रिसर्च पेपर है, जो शोध पत्र है या शोध प्रबंध है उसका सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं, उसका क्या महत्व है। सामग्री संकलन, अपने रिसर्च पेपर के लिए आप सामग्री कैसे संकलित करते हैं। फिर शोध प्रबंध क्या होता है, किस प्रकार से हम अपने काम को अंजाम देते हैं। शोध व्यवस्थापन, सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद हम कैसे उनको ऑर्गेनाइज तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और अंत में निष्कर्ष, शोध व्यवस्थापन मतलब आपको अंत में किन किन संदर्भ ग्रंथ आपने किसका आपने प्रयोग किया है, परिशिष्ट में क्या लगाना है, इन सब चीजों का हम आज अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं भूवन पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, या प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन सीधा आपको उत्तर यहां से लिखना शुरू करना है। तो यह जो टॉपिक है यह आपका शोध की प्रविधि और प्रक्रिया, यह जो पेपर है उससे संबंधित है। आज हम देखेंगे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है मतलब अनुसंधान है, अनुसंधान के मूल तत्व क्या क्या होते हैं। अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च। अनुसंधान के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनमें अन्वेषण और शोध प्रमुख है, लेकिन कॉलेजेस में इसे हम शोध या शोध प्रबंध कहते हैं। रिसर्च का मतलब होता है शोध। अंग्रेजी में रिसर्च शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ अन्वेषण है। वस्तुतः अनुसंधान की परिभाषा में यह अर्थ है कि जो संधान के लिए हो, मतलब जो खोजने के लिए हो, जिसमें खोजना और प्रमाणित करना हो। शोध शब्द का प्रयोग अब रिसर्च के अर्थ में होने लगा है। जब किसी भी साहित्य या विज्ञान या समाज विज्ञान के सृजनात्मक स्वरूप का मूल्यांकन होता है और नई व्याख्या की जाती है तब उसे अनुसंधान कहा जाता है। मनुष्य की प्रकृति जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, वह जन्म से ही जिज्ञासु होता है, नई नई चीजों को जानना समझना चाहता है और इसे प्रमाणित करना चाहता है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है अभी भी नए नए स्थलों का और नए नए जो उनके जो मृत भांड वगैरह हैं, जो उनके पात्र वगैरह हैं या उनकी जो सभ्यता है उस संबंध में अभी भी रिसर्च किए जा रहे हैं। वैसे ही हम देख रहे हैं कि डायनासोर के संबंध में भी नए नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे कामकाज हो रहे हैं। तो इसी प्रकार जब भी कभी साहित्य या समाज विज्ञान या विज्ञान मतलब ज्ञान के विविध क्षेत्रों में, ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें यह रिसर्च निरंतर चलता रहता है, अनुसंधान चलते रहता है। और इसका स्वरूप क्या है, मूल्यांकन परक होता है। और क्या है, इसकी नई नई व्याख्या की जाती है। जैसे कुछ अनुसंधान हुआ तो नए विद्वान आएंगे, उस पर फिर से रिसर्च करेंगे, नई चीजों को खोजने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, खोजने की प्रक्रिया, ढूंढने की प्रक्रिया, नए नए तत्वों को जानने की प्रक्रिया सभी सब्जेक्ट में। तो इसे कहा जाता है रिसर्च और इसे हिंदी में कहा जाता है अनुसंधान। अनुसंधान के मूल तत्व का आधार उसकी प्रक्रिया में निहित वे सारे तत्व हैं जिनसे अनुसंधान प्रारंभ से अंत तक जुड़ा रहता है। शोध के लिए एक दृष्टिकोण के साथ ही वह प्रक्रिया भी जुड़ी रहती है जिससे गुजरना पड़ता है। मतलब अनुसंधान के मूल तत्व में क्या क्या शामिल होंगे, कि हमको विषय का चयन कैसे करना है, फिर विषय को हमको व्यवस्थित कैसे करना है, कैसे कैसे हमको उसका सार लेखन करना है, सिनॉप्सिस तैयार करना है, संक्षेप रूप में कैसे तैयार करना है, मतलब ये सारी प्रक्रिया के अलग अलग हिस्से जो अनुसंधान के लिए आवश्यक होते हैं वही उसके मूल तत्व होते हैं। मतलब कुछ भी जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया या प्रवृत्ति है
उसके मूल तत्व तो क्या होते हैं, वह प्रक्रिया जिन चरणों से गुजरकर हम अपने शोध प्रबंध को पूरा करते हैं। अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय में अनेक नियम निर्धारित किए गए हैं जो वस्तुतः शोध उपाधि के प्रयोजन से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चाहे आप लघु शोध प्रबंध लिख रहे हो, ग्रेजुएशन में, स्नातक में, या फिर पीजी में, या फिर पीएचडी कर रहे हो, तो उसके कुछ नियम कानून है विश्वविद्यालय के, तो उसी पैटर्न में आपको लिखना पड़ता है, तभी आप अपने शोध प्रबंध को शोध उपाधि के लिए, पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए, डीलिट के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुसंधान के मूल तत्व में सर्वप्रथम विषय का चयन आवश्यक है। विषय का चयन करना है, जैसे कि आप इस विषय पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, अनुसंधान करना चाह रहे हैं, शोध प्रबंध लिखना चाहते हैं, कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित विमर्श, अथवा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में स्त्री विमर्श, तब यह आपका विषय हो गया। उसके उपरांत रूपरेखा निर्माण, इसके बाद आपको सिनॉप्सिस तैयार करना है, सामग्री का संकलन करना है, उनके सारे उपन्यासों का संकलन करना है लाइब्रेरी में जाकर या कहीं से भी, शोध प्रबंध लेखन और व्यवस्थापन, इन सभी तत्वों से मिलकर अनुसंधान की रचना होती है। सारी चीजों को आप इकट्ठा करेंगे, फिर जरूरी चीजों को आप लिख लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद इनको ऑर्गेनाइज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, जिसके लिए अन्वेषक और निर्देशक आवश्यक है। मतलब किसी भी शोध प्रबंध के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक तो होता है आपका जो शोधार्थी होता है, जो शोध करने वाला होता है, और दूसरा होता है आपका निर्देशक, जिसे हम गाइड करते हैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं। तो एक तो हो गया अन्वेषक, अन्वेषक मतलब शोधार्थी, शोध करने वाला छात्र, और जो निर्देशक होते हैं गाइड, जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, जिनको यूजीसी की ओर से उनको पात्रता दिया गया है, उनको अधिकार दिया गया है कि आपके अंडर में इतने लोग पीएचडी कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। इन सभी तत्वों का विशेष रूप से विश्लेषित किया जाएगा, किंतु अनुसंधान के तत्वों को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है। तो बेसिकली ये अलग अलग बातें हैं, बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुसंधान के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, मूल तत्व हैं, मौलिक तत्व, उनको समझना। तो सबसे पहला क्या काम क्या होता है, विषय का चयन करना कि किस विषय पर मुझे शोध करना है, शोध प्रबंध लिखना है। किसी भी शोध के लिए सर्वप्रथम विषय का चयन आवश्यक है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस विषय में भी शोध करना है उसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, विषय चयन में सावधानी बरतना आवश्यक है। मतलब जब आप विषय का चयन करते हैं तो इस तरह देख लेंगे बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र ना हो, तो ऐसे टॉपिक का चयन करें जो बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित विमर्श अथवा स्त्री विमर्श, तो ऐसे इस टाइप का टॉपिक आपको लेना है। किसी भी क्षेत्र से विषय का चयन हो जाने के बाद यह देखना आवश्यक है कि उस विषय पर पहले उसी रूप में कोई अनुसंधान ना कर लिया गया हो। तो सभी ऑनलाइन हो गया सारे कॉलेजेस के, कि किसने उस सब्जेक्ट पर रिसर्च किया है कि नहीं, वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, सब ऑनलाइन हो गया। तो यदि पहले से उस पर रिसर्च कर लिया गया उस टॉपिक में, तो उसको आपको चूज नहीं करना है, नया टॉपिक आपको उठा लेना है, नया टॉपिक लिखना है। उनके शोध पत्रिकाओं को भी देखकर विषय का चयन, अनेक शोध पत्रिकाओं को भी देखकर विषय का चयन किया जाता है, इसके लिए निर्देशक से भी सलाह करना आवश्यक होता है। तो शोध पत्रिकाओं में भी शोध प्रबंध, शोध प्रकाशित होते रहते हैं, लघु शोध या फिर बड़े वाले शोध, विस्तृत शोध। तो इसके लिए क्या है, आपको जो आपके निर्देशक है, जो आपके गाइड है, जो प्रोफेसर है, वे आपको भली भांति गाइड कर सकते हैं कि इस पर पहले भी काम हो चुका है तो आप कुछ नया करिए, या आप उनसे चर्चा करके अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। विषय चयन में सर्वप्रथम सामग्री की सुलभता को ध्यान में रखा जाता है। मतलब कोई भी विषय आपको चयन नहीं कर लेना है, आपको यह देखना है कि उसमें जो सामग्री है जिसके आधार पर आप रिसर्च करेंगे वह पहले से उपलब्ध है कि नहीं। थोड़ी बहुत शोध छात्र को यह भी तय करना आवश्यक है कि विषय उसकी अभिरुचि या मनोवृत्ति के अनुकूल हो, तथा उस क्षेत्र में संबंधित विश्वविद्यालय में उपयुक्त निर्देशक और सामग्री सुलभ हो। अब आपको कोई भी टॉपिक नहीं चूज कर लेना है, आपको यह देखना है कि क्या आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, क्या आप विषय में आपका इंटरेस्ट है, तभी आप उसको सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस भी विश्वविद्यालय से आप कर रहे हैं, पीएचडी या फिर एमफिल या फिर जो भी लघु शोध प्रबंध या जो भी लिख रहे हैं, तो संबंधित विश्वविद्यालय में या फिर कॉलेजेस में उसके लिए क्या आपके लिए पास गाइड उपलब्ध है और क्या किताबें उपलब्ध हैं। हिंदी में विषय चयन के अनेक क्षेत्र हैं जो साहित्यकार के जीवन से लेकर उसके सामाजिक परिवेश और रचनात्मकता तक व्याप्त है। कोई भी अनुसंधान विषय चयन के बिना आरंभ ही नहीं हो सकता। मतलब हिंदी साहित्य का जो क्षेत्र है वह तो बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि आजकल इसके अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है, साहित्य भी है, तो मतलब हिंदी का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अनुसंधान के लिए सबसे पहले आपको विषय को चयन करना है, और विषय चयन के लिए इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि गाइड आपको उपलब्ध है कि नहीं, किताबें उपलब्ध है कि नहीं, क्या आपकी रुचि है।
अतः शोधकर्ता और निर्देशक के सामने अनुसंधान का पहला मूल तत्व तो विषय चयन ही होता है। मतलब कोई भी शोधार्थी शोधार्थी है तो शोधकर्ता है, उसका जो गाइड है निर्देशक है, इनके सामने जो सबसे पहली मूल तत्व क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होता है, विषय का चयन करना कि किस विषय में आपको शोध करना है। इस चयन की अनेक प्रणालियां भी प्रचलित हैं जिनके अनुसार शोधकर्ता अपने मन के अनुरूप अथवा निर्देशक के परामर्श से विषय का चयन कर सकता है। तो अनेक अनेक टेक्निक्स हैं, मेथोडोलॉजी है, आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो यह क्योंकि मैं बेसिक चीजों को बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद अनुसंधान की संरचना और रूपरेखा का निर्माण। आपने विषय का चयन कर लिया, आपके पास किताबें भी इकट्ठी हो गई हैं, उनसे संबंधित सामग्री भी आपने इकट्ठा कर लिया है। अब आपको सिनॉप्सिस तैयार करना। सिनॉप्सिस मतलब आपको संक्षेप में आपको बताना है कि ये मुख्य बिंदु क्या है, उसके उपबिंदु क्या है, है ना, मेन पॉइंट्स क्या है, सब पॉइंट्स क्या है, इनके आधार पर आपको एक सिनॉप्सिस रूपरेखा तैयार करके प्रस्तुत करना है। जब आपकी रूपरेखा मंजूर हो जाती है, सिनॉप्सिस मंजूर हो जाता है, तब आपको आपका काम आगे बढ़ता है। वो उसकी मंजूरी मिलने के बाद अनुसंधान का स्वरूप सामने रखने के लिए विषय चयन के बाद रूपरेखा सिनॉप्सिस का निर्माण करना आवश्यक है। किसी भी शोध योजना में रूपरेखा आवश्यक होती है और उसके आधार पर ही विश्वविद्यालय में शोध कार्य का पंजीयन होता है। मतलब रूपरेखा पहले सिनॉप्सिस तैयार करना है, सिनॉप्सिस आप जमा करेंगे, उसके आधार पर ही क्या है, उसका पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे मैं आपको यह उत्तर बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, तो शुरुआत में मैंने आपको रूपरेखा बता दिया कि पहले हमको प्रस्तावना लिखना है, फिर ये बातें आपको लिखनी है। तो इसी तरह रिसर्च जब पेपर तैयार करते हैं, लिखते हैं, तब ये करना जरूरी है। रूपरेखा के आरंभ में भूमिका भी आवश्यक है, बोल रहे हैं। साथ ही अध्यायों के शीर्षकों के साथ ही उन्हें उप शीर्षकों में विभाजित किया जाता है। तो अध्याय हो गया अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, अलग अलग अध्याय भी रहेंगे, और उस अध्याय में क्या हो गया, मेन पॉइंट्स रहेंगे, फिर उनके सब पॉइंट्स रहेंगे। जैसे मेन पॉइंट 1 हो गया था, सब पॉइंट हो गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.1.1, इस टाइप का। मतलब शीर्षक के साथ में उप शीर्षकों में विभाजित किया जाता है। किसी भी रूपरेखा के निर्माण में उस विषय को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए जिस विषय पर शोध कार्य किया जा रहा है। तो मतलब जब आप रूपरेखा तैयार करते हैं, सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, तब अपने विषय को केंद्र में ध्यान में रखेंगे, उससे आपको भटकना नहीं है। तो सामग्री के बजाय, सामग्री तो ठीक है जरूरी है, लेकिन आपको जो विषय है, जो मुख्य विषय आपने चयन किया है, उससे ज्यादा भटकना नहीं है बिल्कुल भी। हिंदी साहित्य में एक बार यह देखा गया है कि विषय से संबंधित सामग्री को विषय से अधिक महत्व दिया जाता है जो उपयुक्त नहीं है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की आप दलित विमर्श के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप दलित विमर्श से हटकर स्त्री विमर्श में चले गए, समाज के सर्वहारा वर्ग में चले गए, तो नहीं, आपको अपना दृष्टिकोण सिर्फ दलित विमर्श तक ही रखना है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित विमर्श, तो सामग्री से ज्यादा आपको क्या है, विषय को महत्व देना है। रूपरेखा पंजीयन के समय संक्षेप में प्रस्तुत की जा सकती है, किंतु शोध कार्य का अधिकांश भाग हो जाने पर विस्तार से रूपरेखा बनाकर फिर से प्रस्तुत की जा सकती है। शुरुआत में आपको ब्रीफ में बनाना है सिनॉप्सिस, और जब अधिकांश भाग आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका सिनॉप्सिस थोड़ा बड़ा करके पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। रूपरेखा किसी भी अनुसंधान का मूल तत्व है, क्योंकि इसके बिना शोध कार्य को कोई दिशा नहीं मिलती। रूपरेखा अत्यंत स्पष्ट हो यह भी आवश्यक है। जब आपका सिनॉप्सिस मंजूर हो जाता है, यूनिवर्सिटी से अप्रूव हो जाता है, अनुमोदित हो जाता है, तभी आप शोध कार्य लिखना शुरू कर सकते हैं, या फिर उसमें कोई संशोधन के बाद स्वीकार कर लिया जाता है। तो यह रूपरेखा जो सिनॉप्सिस से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपको अपने गाइड के सहयोग से करना होता है। तो यह बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, परीक्षा में आपको उत्तर लिखना है, तो यह उत्तर आप लिख सकते हैं। तीसरा है सामग्री का संकलन करना। अनुसंधान को पूरा करने के लिए रूपरेखा के आधार पर सामग्री का संकलन भी आवश्यक है, जिसका ध्यान विषय चयन के समय ही रखना आवश्यक होता है। वैसे तो रूपरेखा बनाते समय ही कुछ सामग्री संकलित करना आवश्यक होता है, पर शोध कार्य के लिए सामग्री का संकलन विस्तार से किया जाता है। सबसे पहले आप विषय चयन कर लेते हैं, आप कुछ सामग्री आप पहले से इकट्ठा कर लेते हैं, और जो इकट्ठा की गई सामग्री है, उसके आधार पर आप सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। और सिनॉप्सिस जब आपका अनुवादित हो जाता है, तो उस रूपरेखा को विस्तृत रूप देने के लिए, शोध प्रबंध लिखने के लिए, आपको बहुत सारी किताबें, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करनी होती है। मतलब शोध कार्य के लिए आपको विस्तृत सामग्री आवश्यक होती है, उसके लिए आपको उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है। तो विस्तार से किया जाता है सामग्री का संकलन। विषय से संबंधित सामग्री वह है जिसमें कि उस विषय से संबंधित सभी तथ्य उपलब्ध हो सके, इसके लिए मूल ग्रंथों को उपलब्ध करना आवश्यक होता है। तो जैसे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित विमर्श यदि आपका टॉपिक है, तो उससे संबंधित जितनी भी सामग्री है, पहले उनके उपन्यासों को पढ़ना होगा, कहाँ कहाँ उनके उपन्यासों में दलित विमर्श है, उसके बाद उनकी जो कुछ समीक्षा की गई होगी, जो बड़े बड़े समीक्षक हो गए जिन्होंने उस विषय पर लिखा होगा,
या फिर किताबों में अलग अलग मैगजीन्स वगैरह में आर्टिकल पब्लिश हुए होंगे, समाचार पत्र में या फिर इंटरनेट में कोई प्रामाणिक जानकारी आपको मिलती है, इन सारी चीजों के लिए उपलब्ध करना, आपको इकट्ठा करना है और सामग्री। इसमें पुस्तकालयों का सहयोग लेने के साथ ही आवश्यकता अनुसार पांडुलिपियों का भी संकलन करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा हमारा रिसोर्स क्या होता है, सबसे बड़ा स्रोत होता है पुस्तकालय। तो जो भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के पुस्तकालय हैं, वहां पर जाकर सामग्री संकलित कर सकते हैं। कभी कभी वहां पर पांडुलिपि भी मिल जाते हैं जो मौलिक रूप से लेखक के द्वारा हाथ से लिखे होते हैं, उनकी फोटोकॉपी भी मिल जाती है आपको। सामग्री संकलन के बिना कोई भी शोध प्रबंध लेखन संभव नहीं हो पाता है। तो यह सामग्री तो संकलित करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार से आप संकलित करें। तो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री संकलन भी है। अतः आवश्यक है कि विषय के अनुरूप सामग्री संकलित की जाए, तभी अनुसंधान की प्रामाणिकता और मौलिकता का निर्वाह किया जाता है। तो सामग्री को आपको संकलित करना है जो प्रामाणिक हो, और अंत में आपको रिफरेंस में संदर्भ में लिखना भी पड़ता है कि ये जानकारी इस किताब के इस पृष्ठ से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं। तो आपके जो गाइड होंगे वो आपको पूरा बता देंगे कि आपको लिखना कैसा है, या पुराने जो शोधार्थी हैं उनके शोध प्रबंध को देखने से आपको पता चल जाता है कि हमको कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या है। अब शोध प्रबंध क्या होता है वास्तव में? शोध प्रबंध मतलब रिसर्च पेपर, जो लघु शोध प्रबंध कॉलेजेस वगैरह में होता है, और जो जो दीर्घ का जो शोध प्रबंध होता है वो तो पीएचडी डिलीट वगैरह के लिए होता है। तो शोध प्रबंध यह अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। विषय चयन, रूपरेखा निर्माण और सामग्री संकलन इसीलिए किया जाता है कि शोध प्रबंध लिखा जा सके। पहले हम विषय का चमक चयन करते हैं, सामग्री इकट्ठा करते हैं, रूपरेखा का निर्माण करते हैं, और ये सब काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको शोध प्रबंध लिखना है, रिसर्च पेपर लिखना है। इस शोध प्रबंध को लिखने में अनेक हमें शोध के नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें शीर्षक देने के साथ ही उद्धरण और टिप्पणियां देना भी आवश्यक है, साथ ही संदर्भ ग्रंथों की जानकारी भी देना आवश्यक होता है। जब आप शोध प्रबंध लिखते हैं तो उससे कुछ नियम कानून कायदे हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, या फिर यूजीसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें आपको शीर्षक देना है, हेडिंग देना है, फिर उद्धरण देने हैं, मतलब कोटेशन देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं, टिप्पणियां देनी है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, और अंत में आपको संदर्भ ग्रंथ की सूची भी देनी होती है जहां से आपने सामग्री का संकलन किया है, उसका स्रोत क्या है। इसी से शोध प्रबंध लेखन में सहायता मिलती है। अनुसंधान अपने में ही एक प्रबंधात्मक व्यवस्था है, जिसमें शोध प्रबंध का लेखन करते हुए क्रमबद्ध संयोजन आवश्यक होता है, मतलब एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होता है। शोध प्रबंध लिखना कोई साधारण कार्य नहीं है, आपको पहले सामग्री इकट्ठा करके अपने रूपरेखा के आधार पर, सिनॉप्सिस के आधार पर बिंदुवार आपको उसका प्रस्तुत करना होता है, शीर्षक के आधार पर, शीर्षक या प्रारूप शीर्षक के आधार पर आपको उनको व्यवस्थित क्रम में जमाना होता है। शोध प्रबंध लेखन की प्रक्रिया में आधार ग्रंथ जो बेसिक सामग्री है, जैसे मुंशी प्रेमचंद के संबंध में उनके जो उपन्यास है तो वे आधार ग्रंथ हो गए। फिर संदर्भ ग्रंथ, उनकी जो आलोचना है जहां से आपने सामग्री लिया, इंटरनेट वगैरह, और सहायक ग्रंथों की प्रमुख भूमिका होती है। और समय समय पर जो आपके वो सब विभिन्न मैगजीन्स में रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। शोध प्रबंध लेखन के बाद उसका सार संक्षेप भी दिया जाता है, इसका ब्रीफिंग भी दिया जाता है। शोध प्रबंध लेखन में मतलब उपसंहार निष्कर्ष रूप में ब्रीफिंग देना होता है। शोध प्रबंध लेखन में मूल पुस्तक के संदर्भ देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि विभिन्न स्रोतों से भी सामग्री जुटाना आवश्यक है। यदि रचनाकार जीवित है तो उसे साक्षात्कार करना भी अत्यंत प्रासंगिक और आवश्यक होता है। इस साक्षात्कार को प्रश्नावली के माध्यम से प्रयोग में लाया जा सकता है, और इसके लिए वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग कर संबंधित विषय पर प्रश्नों की रचना की जाती है। साहित्य में भी सर्वेक्षण किया जा सकता है। संक्षेप में शोध प्रबंध में इन सभी तत्वों के आधार पर अनुसंधान होता है, और यह सब उसकी संरचना के अनिवार्य भाग है। अब शोध प्रबंध यदि आप लिखने जा रहे हैं तो केवल आधारभूत सामग्रियों से ही काम नहीं चलेगा, आपको विभिन्न स्रोतों से आपको सामग्री इकट्ठा करनी है। और यदि आप किसी साहित्यकार के संबंध में आप शोध कर रहे हैं तो साहित्यकार का आप साक्षात्कार भी ले सकते हैं, प्रश्नावली उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और उनसे प्राप्त प्रश्नों के उत्तर के आधार पर आपको अपना रिव्यू भी लिख सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें जरूरी है, तो इसके लिए आप प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको आवश्यक है। साहित्य का समय में सर्वेक्षण भी कर सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों के क्या विचार हैं, अलग अलग प्रोफेसर के क्या विचार है, तो सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को जोड़ करके होता है अनुसंधान होता है, शोध प्रबंध लिखा जाता है, और यह उसकी सब उसकी संरचना के अनिवार्य भाग है। अब पांचवा है शोध व्यवस्थापन। अब सारी सामग्री को आपने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आपको प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे आपको लिखना है, आपको रूपरेखा के आधार पर कैसे उसको जमाना है, कैसे संदर्भ लिखना है, परिशिष्ट क्या होता है, तो यह होता है शोध व्यवस्थापन, मतलब अपने शोध को व्यवस्थित करना।
वर्तनीगत स्पेलिंग के मिस्टेक से उसको सुधारना, तो इसको व्यवस्थित करना होता है आखिरी में। जैसे शोध व्यवस्थापन, शोध कार्य पूर्ण होने पर, यह ठीक वैसे ही जैसे आप खाना बनाते हैं तो आप सारी सब्जी वगैरह बना लिए, खाना बना लिए, उसके बाद आप परोसना, जैसे सलाद है, अचार है, पापड़ है, खाना है, और उसके साथ सब्जी है, तो इन सब चीजों को व्यवस्थित तरीके से थाली में सजाकर जो परोसते हैं, तो वह भी एक आर्ट है, एक कला है। वैसे ही शोध व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट है, व्यवस्थित करना चीजों को। शोध कार्य पूर्ण होने पर उसे क्रमबद्ध रूप से संयोजित करना आवश्यक है, जो अनुसंधान का प्रमुख तत्व है, ऑर्गेनाइज करना चीजों को। शोध प्रबंध में व्याकरण और वर्तने की गलतियां नहीं होनी चाहिए, साथ ही विराम चिन्हों का भी सही जगह प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो शोध प्रबंध में आखिरी में क्या ध्यान रखना है आपको, कि कोई भी व्याकरण से संबंधित गलतियां ना हो, आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं, व्याकरण से संबंधित गलतियां ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, वर्तनीगत अशुद्धियां ना हो, विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया हो, मतलब इसको व्यवस्थित ढंग से पूरा पढ़कर देखना। शोध प्रबंध का व्यवस्थापन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना किसी भी शोध प्रबंध को उपाधि के लिए प्रस्तुत करना संभव नहीं है। यदि आप बिल्कुल सेल्फ परफेक्शन के साथ यदि आपने उसको प्रस्तुत नहीं किया है तो आपके गाइड पहले ही आपको मना कर देंगे, क्योंकि ये सब पहले सुधार ले आप, तभी आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। शोध व्यवस्थापन में आंतरिक के साथ बाह्य व्यवस्था भी होती है, जिसके अनुसार मुख्य पृष्ठ पर शोध प्रबंध और शोधार्थी का नाम और संकाय का नाम अंकित करना आवश्यक है जहां शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जा रहा है। इस व्यवस्थापन में अनुक्रमणिका, संदर्भिका और परिशिष्ट को शामिल किया जाता है। अब शोध प्रबंध क्या होता है, आप उसको बाइंडिंग करवा लेते हैं, बाइंडिंग में आपका ऊपर कवर में लिखा रहेगा आपका जो टॉपिक है वो, और शोधार्थी का नाम, गाइड का नाम, किस विश्वविद्यालय में किस डिग्री के लिए आप प्रस्तुत कर रहे हैं, कवर हो गया। उसके अंदर जो मुख्य पृष्ठ है वहां भी यह सब लिखा रहेगा, डिक्लेरेशन है क्या, घोषणा पत्र किया, मेरी मौलिक कृति है, उस पर आपके गाइड भी साइन करेंगे, हाँ यह इनके मौलिक कार्य है, इन्होंने नकल नहीं किया है। और इसके बाद अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका का पेज नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। संदर्भिका आखिरी में लिखना है आपको, संदर्भ, संदर्भ ग्रंथ क्या क्या है, फिर उसमें डालना है परिशिष्ट, वो चीजें जो जरूरी थी लेकिन आपने अंदर नहीं डाल पाए थे, परिशिष्ट में उसका उल्लेख करना है, इसको शामिल करना है। शोध व्यवस्थापन में शीर्षक और उपशीर्षक रखे जाते हैं, बता चुके हैं शुरू में कि पहले शीर्षक रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा, फिर सब पॉइंट रहेंगे। इसी प्रकार पाद टिप्पणियों को पृष्ठ के नीचे अथवा अध्याय के बाद जहां सुविधा हो वहां रखा जा सकता है। पाद टिप्पणी मतलब जो नीचे में जो टिप्पणियां लिखी जाती है स्टार लगा के, ऊपर जैसे हमने कहीं स्टार लगा दिया, जैसे अभिव्यंजनावाद कहीं पर लिखा है वहां स्टार लगा दिया, और नीचे पाद टिप्पणी मतलब फुट नोट, नीचे किताब के नीचे में एकदम नीचे में जो फुट नोट होता है वहां, या फिर वो चैप्टर जहां खत्म हो रहा है वहां पर आप लिख सकते हैं स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, या हैशटैग लगाकर जो आप लिखते हैं, इसको बोलते हैं फुट नोट, पाद टिप्पणी बोलते हैं हिंदी में, पैर के पास जो होता है नीचे होता है किताब के पृष्ठ के नीचे। शोध प्रबंध में जो शामिल नहीं किया जा रहा है पर जिसे शामिल किया जाना आवश्यक है उसे परिशिष्ट में रखा जाता है। परिशिष्ट क्या होता है, आखिरी में हम परिशिष्ट जोड़ देते हैं कि इसको भी इसमें रखना आवश्यक था लेकिन स्थानाभाव या समयाभाव के कारण इसे शामिल नहीं किया जा सकता, इसे बोलते हैं परिशिष्ट, अपेंडाइसेस, अपेंडिक्स, इसे आखिरी में रखा जाता है। इसी प्रकार संदर्भ को सूचीबद्ध आकार आदि क्रम से करना अधिक वैज्ञानिक है, जिसमें पुस्तक के लेखक के नाम के साथ पुस्तक का शीर्षक और प्रकाशन का विवरण होने पर भी उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। जो संदर्भ लिख रहे हैं आकार आदमी आकार आदि क्रम में होना चाहिए, अ आ ई ऊ ए ऐसा क्रम में होना चाहिए, क ख ग घ ङ इस टाइप का, मतलब एक प्रॉपर सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, शीर्षक का नाम, प्रकाशन का विवरण, का प्रकाशित हुई किताब, तो इन सब चीजों के लिए आपको पुराने शोध प्रबंध देखने की आवश्यकता होती है, या मैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको समझाने के उद्देश्य से यह सब बता रहा हूं, इससे उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है कि आपने कौन सी सामग्री कहाँ से ग्रहण किया है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में सर्वेक्षण किया जाता है और विज्ञान में प्रयोग आवश्यक होता है, जबकि साहित्य में आवश्यक नहीं है, तो साहित्य की प्रणाली अलग होती है, किंतु साहित्य, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान तीनों के तत्वों में अंतर संबंध हो सकते हैं और आज के युग में यह आवश्यक भी है। तो वास्तव में आज का जो साहित्य है वह न तो सामाजिक विज्ञान से अलग है और न ही वह साइंस से और टेक्नोलॉजी से अलग है, तो इन तीनों के आपस में संबंध हो सकते हैं और आज के युग में यह जरूरी भी है, क्योंकि ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं वे सब आपस में संबंधित हैं। इससे अनुसंधान की दृष्टि का विस्तार होता है, उसके विषयों का विकास होता है और उसकी प्रामाणिकता बढ़ती है। मतलब जब हिंदी साहित्य को हम सामाजिक विज्ञान से कुछ सामग्री ले सकते हैं, कुछ विज्ञान से भी कुछ सामग्री ग्रहण कर सकते हैं, मतलब सभी विषय एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इससे क्या है, सभी विषयों का विकास होता है और उसकी प्रामाणिकता भी बढ़ती है। किसी भी प्रयोजन के तत्वों का निर्धारण इस बात से होता है कि वे इसके गठन का आधार बनते हैं। मतलब जैसे हमने देखा है कि जो रिसर्च अनुसंधान के मौलिक तत्व क्या क्या है, तो
मौलिक तत्वों का निर्धारण हम कैसे करते हैं कि वे सभी तत्व जिनके आधार पर हम रिसर्च पेपर लिखते हैं और वही उसके गठन का आधार है, शोध प्रबंध के गठन का आधार बनते हैं। आज हिंदी में शोध के गिरावट के संदर्भ में, शोध की गिरावट के संदर्भ में यह वक्तव्य आवश्यक है कि अनुसंधान के मूल तत्वों का प्रामाणिकता से निर्वाह न करके केवल तत्वों के आधार पर अनुसंधान करते रहना कोई बहुत सुखद या प्रामाणिक स्थिति नहीं है। केवल कागज पर नियम बनाने से शोध का स्तर नहीं सुधरता। तो वर्तमान में हिंदी में शोध कार्य में गिरावट इसलिए आई क्योंकि लोग नकल कर रहे हैं, पहले जो काम कर लिए हैं अपना कुछ नई नया ढूंढने, कुछ नया मौलिक विचार लाने का प्रयास नहीं कर रहे, नई चीजों को खोजने का प्रयास नहीं कर रहे। पहले बहुत सारे किताबों से काट छांट करके आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो आपको कुछ मौलिक उद्भावना लेकर आनी है, कुछ नई चीजों को ढूंढना है जो पहले से नहीं हुआ है, जिसको पहले अनदेखा कर दिया गया है। तो अनुसंधान की प्रविधि और प्रक्रिया इन मूल तत्वों पर ही आधारित है। मतलब शोध के लिए केवल नियम बना देने से कुछ नहीं होता, उनका मौलिकता, उसमें मौलिकता का निर्वाह भी किया जाना आवश्यक है। आपका शोध प्रबंध, आपका शोध कार्य पूरी तरह से मौलिक होना चाहिए। तो अनुसंधान की प्रविधि और प्रक्रिया इन मूल तत्वों पर ही आधारित होती है। प्रविधि क्या होता है? प्रविधि मतलब होता है टेक्निक। प्रविधि के अंतर्गत वे सभी प्रणालियां आती हैं जो शोध प्रबंध लेखन में अनिवार्य रूप से प्रयोग में आती हैं। मतलब जैसे हिंदी साहित्य में हम साक्षात्कार कर लेते हैं या फिर अपना साहित्यकार से साक्षात्कार कर लेते हैं, विभिन्न किताबों से सामग्री जुटा लेते हैं, और साइंस में हमको प्रयोग करना होता है, सामाजिक विज्ञान में सर्वेक्षण करना होता है, तो यह प्रविधि होगी। और प्रक्रिया में वे सभी संरचनाएं आती हैं जिसके कारण शोध योजना से शोध व्यवस्थापन तक की यात्रा संपन्न होती है। और प्रक्रिया में क्या क्या है? प्रक्रिया में जितने हमने एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि उसका विषय का चयन करना है, फिर सिनॉप्सिस तैयार करना है, फिर सामग्री का संकलन करना है, फिर उनको व्यवस्थित करना है, और आखिरी में संदर्भ और परिशिष्ट लिखना है, तो यह होगी इसकी प्रक्रिया। मेन टॉपिक लिखना है, सब टॉपिक लिखना है, तो यह है कि प्रक्रिया हो गया, प्रोसीजर हो गया। इनको जोड़ने का कार्य ही अनुसंधान लेखन में आवश्यक होता है, जिससे कि अनुसंधान के व्यवस्थित संगठन की योजना मौलिक और प्रामाणिक रूप से आकार लेती है। मतलब इन सभी चीजों को हमको इस प्रकार से जोड़ना है कि हमारा जो अंत में जब शोध प्रबंध हमको जब हम पढ़ना चालू करें ऊपर शुरू से अंत तक, तो हमको कहीं पर कोई बैग कोई गैप दिखाई ना दे, कि कुछ छूटा हुआ सा ना लगे, और बिल्कुल एक तारतम्य बना रहे, एक सामंजस्य बना रहे सभी चरणों में। तो ऐसा जब आप कर पाते हैं तभी आपका जो शोध प्रबंध है वह मौलिक होगा और वह प्रामाणिक रूप में आकार ग्रहण करेगा। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि रिसर्च के या फिर अनुसंधान के मूल तत्व फंडामेंटल्स क्या क्या चीजें हैं, फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। तो यदि मेरा आपका आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा या आपके काम का होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।